हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईपीएल का दो नए टीम्स के बारे में एंड उनका कैप्टन के बारे में। दोस्तों, आईपीएल 2022 में लखनऊ एंड अहमदाबाद दो नए टीम्स आने वाले हैं। लखनऊ ओनर आरपीएसजे एंड अहमदाबाद ओनर सीबीसी कैपिटल। लेकिन सीबीसी कैपिटल का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, उनका बेटिंग बिजनेस में शेयर है इसलिए। लेकिन अब बीसीसीआई ने कन्फर्म किया है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है बोल के। लखनऊ एंड अहमदाबाद के लिए अटल बिहारी वाजपेयी एंड नरेंद्र मोदी स्टेडियम दोनों भी होम ग्राउंड होने वाले हैं। आईपीएल का मैचेस 2011 जैसा होने वाले हैं दो ग्रुप में। आईपीएल 2022 का मेगा ऑक्शन दिसंबर में होने वाला है। दोनों नए टीम्स आईपीएल मेगा ऑक्शन से पहले तीन प्लेयर्स को ले सकते हैं ऐसा लग रहा है। लेकिन अभी तक बीसीसीआई से कुछ भी कन्फर्म न्यूज नहीं आया है। लखनऊ एंड अहमदाबाद दोनों टीम्स का कैप्टन कंटेंडर्स ऐसे है। फर्स्ट डेविड वार्नर। एसआरएस डेविड वार्नर को लास्ट आईपीएल में ज़्यादा मैचेस नहीं खिलाए है। वार्नर आईपीएल का हाईएस्ट रन स्कोरर में एक है एंड 2016 में वार्नर का कैप्टनशिप में सनराइजर्स हैदराबाद चैंपियन बन चुका था। एंड इसलिए मेरे हिसाब से दोनों अहमदाबाद एंड लखनऊ दोनों टीम में एक वार्नर को कैप्टन बना सकते हैं। सेकेंड प्लेयर केएल राहुल। पंजाब किंग्स ने स्टेटमेंट दिया है कि एक प्लेयर से टीम नहीं बनता है, 11 प्लेयर से टीम बनता है एंड केएलबी पीबीकेएस छोड़ने वाले हैं ऐसा न्यूज़ आ रहा था। अभी तक कंफर्म नहीं है लेकिन केएल राहुल पंजाब किंग्स छोड़ा तो और पंजाब किंग्स ने केएल राहुल को रिलीज़ किया तो केएल राहुल एक दोनों टीम्स का कैप्टन हो सकते हैं। एंड थर्ड प्लेयर सुरेश रैना। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स का कंफर्म रिटेन प्लेयर चार प्लेयर्स हो चुके हैं, फॉफ डुप्लेसिस, रुद्राज गायकवाड़ एंड एमएसडी और एंड डीजे ब्रावो। इसलिए मेरे हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स सुरेश रैना को रिलीज़ कर सकता है। एंड सुरेश रैना 2016 में गुजरात लायंस का कैप्टन भी थे, इसलिए मेरे हिसाब से सुरेश रैना को दोनों टीम्स का एक कैप्टन हो सकते हैं, बन सकते हैं। एंड नेक्स्ट फोर्थ प्लेयर स्टीवन स्मिथ। स्टीवन स्मिथ राजस्थान रॉयल्स का कैप्टन थे एंड आरपी राइजिंग पुणे सुपर जॉयंट्स का भी कैप्टन थे। लास्ट आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स ने स्मिथ को ज़्यादा मैचेस नहीं खिलाए। मेरे हिसाब से स्मिथ पक्का एक कैप्टन के लिए कंटेंडर हो सकते हैं एंड ऑक्शन में रहेंगे। दिल्ली कैपिटल्स ने उनको रिटेन नहीं करेगा मेरे हिसाब से। एंड स्टीवन स्मिथ ऑक्शन में अवेलेबल रहे है तो उनको पक्का दोनों में एक टीम खरीद सकते हैं, खरीद के कैप्टन बना सकते हैं। एंड फिफ्थ प्लेयर करन पोलार्ड। पोलार्ड आईपीएल का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर में एक है एंड वेस्ट इंडीज़ का कैप्टन भी है। मुंबई इंडियंस के लिए थोड़ा मैचेस कैप्टनशिप भी किए हैं एंड दुनिया का एक बेस्ट पावर हिटर में एक है एंड चैंपियन क्वालिटी बैट्समैन है। इसलिए मेरे हिसाब से मुंबई इंडियंस कैरन पोलार्ड को रिलीज़ किया तो दोनों टीमें एक टीम कैरन पोलार्ड को कैप्टन बना सकते हैं। दोस्तों, आप भी कमेंट करो कौन सा प्लेयर आईपीएल का दो नए टीम्स का कैप्टन हो सकते हैं। एंड आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, उसमें हम डेली क्रिकेट न्यूज़ एंड डिस्कशन करते हैं। डेली क्रिकेट न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू गाइस।